हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नाइस टेलर। नाइस टेलर पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पैंट की कटिंग, जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, कटिंग करने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं जिस हिसाब से हम कटिंग करने वाले हैं। पैंट की लंबाई है हमारी 35.5 इंच, कमर है 30 इंच, हिप है 34.5 इंच, घुटना है 16.5 इंच और थाई है 20 इंच, मोड़ी है 11.5 इंच, लटक है 22 इंच। इसी हिसाब से हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम सीधा वाला स्केल लेते हैं और एक सीधा सा मार्का ले लेते हैं। ये हमारा मार्का हो गया। उसके बाद हम लंबाई ले लेते हैं। लंबाई है हमारा 35.5 इंच, 1 इंच माइनस करके हम इसको लगा लेते हैं और 1.5 इंच का मोड़ी में दबाव दे देते हैं। यही मार्का हम इधर उठा लेते हैं। लंबाई है 35.5 इंच, 1 इंच माइनस करके मार्का लगा लिए और 1.5 इंच मोड़ी का दबाव। अब इस मार्के को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सीधा स्केल लेते हैं और एक मार्के से मार्के को मिला लेते हैं। इस मार्के को मार्के से मिला लेते हैं। ये मार्का हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 20 सेंटर की तरफ। 20 सेंटर का मार्का किस हिसाब से लगाया जाता है दोस्तों? अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको मालूम होगा, कमर का चौथाई हिस्सा लिया जाता है, उसमें 3.5 इंच ऐड कर दिया जाता है। तो कमर है हमारा 30 इंच, चौथाई हिस्सा हुआ 7.5 इंच, 7.5 इंच में हम 3.5 इंच जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 11 इंच। 11 इंच का हम हाफ लेकर यहाँ पर मार्का लगा देते हैं। 11 का हाफ हुआ 5.5। अब इसी मार्के को हम उठा के सीधा कर लेंगे और इस मार्के को मार्के से मिला देंगे। दोस्तों, यही 20 सेंटर का मार्का होता है। जो भी हमारा कमर होता है उसका चौथाई हिस्सा निकाल के 3.5 इंच जोड़ दिया जाता है, वही 20 सेंटर का मार्का आ जाता है। दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको, ये फार्मूला 34 से लेकर 35 इंच कमर तक काम करता है। उसके आगे फार्मूला अलग हो जाता है। अगर उस फार्मूले का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमने 11 का हाफ करके मार्का सीधा कर लिया है। अब आते हैं लटक के तरफ। लटक में दोस्तों 3 इंच माइनस किया जाता है। आपको मालूम होगा 1 इंच हमने पहले ही माइनस कर दिया है और 0.5 इंच दबाव ले लेंगे, हो जाएगा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का हमारा बेल्ट होता है, 1.5 इंच आगे और 1.5 इंच पीछे, इसी वजह से 3 इंच माइनस किया।
2 इंच इधर दबाव हो जाएगा और 2 इंच हमारा इधर दबाव हो जाएगा। चैन बंद करते समय फ्लाई वाला पल्ला बटन टेक वाले पल्ले पे आधा इंच चढ़ जाता है। पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।